लोगों को आम जनता के मुद्दों से हटाकर सिर्फ ये लोग मार्ग फैलाकर राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। जनता के भूख प्यास बेरोजगारी इन लोगों को इस वक्त बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक हो रही है, लेकिन इसको लेकर राजनीति भी तेज है। आपको बता दें गिरिराज सिंह ने कुछ देर पहले ये कहा था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन अल्पसंख्यकों की मुसलमानों की भी जातीय जनगणना होनी चाहिए और जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको देश से बाहर करना चाहिए। और ये भी कहा था कि जो धर्म बदलने के लिए एक सख्त कानून लाना चाहिए कि अगर कोई धर्म बदलवाता है तब उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके बाद अब ओवैसी की पार्टी एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने गिरिराज सिंह पर बीजेपी पर बड़ा हमला किया और ये कहा कि ये लोग पूरे देश में जातीय जनगणना करवाने से क्यों डरे हुए हैं, ऐसे लोग धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं ताकि जनता का ध्यान बुनियादी मुद्दों से भटकाया जा सके। पहले सुनिए क्या कुछ कर रहे हैं अख्तरुल ईमान, फिर बात करते हैं। दलितों की गिनती हो और पहले वो तो ये बताया कि पूरे देश में गिनती करवाने से डरते और घबराते क्यों हैं, वो सी बयान दे रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर गणना करने से घबराते क्यों हैं, उसी तरीकों का कब तक हमारी खतरे की गिनती हो। योगी पहले कथन में करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना के साथ स्तर पर जनगणना के साथ क्यों रह रहे हैं, हमको राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना करानी चाहिए। लोगों को आम जनता के मुद्दों से हटाकर सिर्फ ये लोग मार्ग फैलाकर राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। जनता के भूख प्यास बेरोजगारी इन लोगों को तमिलनाडु के तो आपने सुना अख्तरुल ईमान ने कहा कि बीजेपी पूरे देश में जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाना चाहती है और ये भी कहा कि ये ऐसे लोग जो हैं वो धार्मिक उन्माद फैला करके जो जनता का बुनियादी मुद्दा है बेरोजगारी महंगाई शिक्षा स्वास्थ्य उन सारे जगहों से बीजेपी ध्यान भटकाना चाहती है। तो जातीय जनगणना को लेकर बिहार की सियासत काफी गर्म हो गई है। इस वक्त सर्वदलीय बैठक चल रही है और कुछ देर के बाद एक बड़ा फैसला आ सकता है। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया था कि बिहार में जातीय जनगणना होगी और वो अपने खर्चे पर कराएंगे। हालांकि शुरुआती दौर में बीजेपी जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं थी, लेकिन अब बीजेपी जातीय जनगणना के पक्ष में दिख रही है क्योंकि सीएम नीतीश ने दबाव बनाया था और उस दबाव का असर अब दिख रहा है। यहां तक कि गिरिराज सिंह जो जातीय जनगणना का नाम सुनकर भड़क जाते थे वो भी यहां तक तो अब कह रहे हैं कम से कम कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन मुसलमानों की भी गिनती होनी चाहिए और जो बांग्लादेशी घुसपैठिया है उनको यहां से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा था कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे उस वक्त 2014 में जो बजट है वो था 16.5 लाख करोड़, लेकिन आज के दौर में हो गया है 37.5 लाख करोड़। प्रधानमंत्री मोदी देश का विकास चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों का अपना एजेंडा है, यानी उनके इशारे पर उनके निशाने पर जो है साफ तौर पे नीतीश कुमार हैं जिन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार का जो एजेंडा है वो जाति का है ताकि लोगों को जाति के आधार पर बांटकर अपनी राजनीतिक रोटी सेक सकें। बीजेपी अब इशारों में भले ही नीतीश कुमार पर हमला करे जेडीयू पर हमला करे, लेकिन एक बात तो साफ हो गया है कि नीतीश कुमार ने अपने शर्तों पर बीजेपी को झुका दिया। ये वही बीजेपी है जो शुरुआती दौर में जातीय जनगणना के नाम पर भड़क जाती थी, यहां तक कि लोकसभा में बकायदा बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि वो जातीय जनगणना देश भर में नहीं कराएगी, लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे तो वो अपने राज्य में जातीय जनगणना करवा सकती है। शुरुआती दौर में बीजेपी से खिलाफ थी, लेकिन अब जब गिरिराज सिंह स्वीकार कर चुके हैं कि बिहार में जातीय जनगणना हो सकती है लेकिन मुसलमानों की भी गिनती होनी चाहिए, तो अख्तरुल ईमान ने एक बड़ा बयान दिया गिरिराज सिंह सहित बीजेपी पर हमला किया और ये कहा कि ऐसे लोग धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, ये लोग वाकई में पूरे देश में जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाना चाहते और ऐसे लोग जो हैं वो जनता के बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। आप देखते रहें NBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद।